गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म जैसा कि आपको मालूम है सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लेक्चर सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और ऐसे सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक प्रोडक्टिविटी प्लान लेआउट एंड मटीरियल हैंडलिंग वर्क स्टडी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मटीरियल परचेज एंड स्टोर मैनेजमेंट को कवर कर लिया है साथ ही साथ हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल एंड टी क्यू एम और मैनेजमेंट को भी कवर कर लिया है और आज के क्लास में बेसिकली हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के सिलेबस को देख लेते हैं कि हमें यहाँ क्या क्या कवर करना है वी विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन वी विल डिस्कस स्टेप्स इन फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टाफ स्टाफिंग फंक्शंस एंड प्रोजेक्ट टाइप देन वी विल डिस्कस अबाउट डिपार्टमेंटेशन ऑर्गेनाइज एंडसेंट्रलाइज डिपार्टमेंटेशन एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड डी डिपार्टमेंटेशन इसके बाद हम लोग ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे इसके डिफरेंसेज को समझेंगे दैन वी विल डिस्कस स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप प्रोपराइटरशिप क्या होती है पार्टनरशिप क्या होती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है और गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है तो ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमें भी एक मोटिवेशन बना रहे कि इस तरह के वीडियोज़ लेक्चर वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जा सके चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है इसके मीनिंग को सबसे पहले समझ लेते हैं जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करता है या ये किस तरह की बॉडी है यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर जो होता है जो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएटर होता है वो अलग अलग वेरियस फैक्टर्स जैसे कि प्रोडक्शन में जो जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली लैंड लेबर कैपिटल मशीनरीज इन सभी को ऑर्गेनाइज करता है और ऑर्गेनाइज करने के बाद इसे चैनलाइज़ करता है और चैनलाइज़ करने के बाद क्या होती है प्रोडक्टिविटी स्टार्ट होती है या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है जब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज स्टार्ट होती है प्रोडक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसके बाद हमारा प्रोडक्शन जो है प्रोडक्ट बेसिकली फॉर्म होना शुरू हो जाता है और इस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं हम अपने एंड यूज़र यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं वेरियस एजेंसीज के थ्रू या फिर डायरेक्टली किसी भी माध्यम से तो इन सारे प्रोसेस में जो बॉडी इन्वॉल्व होती है इसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं सो बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इन वेरियस फंक्शंस दिस फंक्शंस आर असाइंड टू डिफ़रेंट इंडिविजुअल्स तो बिज़नेस की जो एक्टिविटी होती है वो छोटे छोटे फंक्शन से मिलकर बनी हुई होती है और इन सभी फंक्शंस जो हैं इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल को बेसिकली छोटे छोटे इंडिविजुल्स को जो है इस असाइन किया जाता है इन सारे वर्कस को तो अगर हम डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वेरियस इंडिविजुअल इफर्ट मस्ट लीड टू द अचीवमेंट ऑफ कॉमन बिजनेस गोल ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेम फ्रेमवर्क ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड ऑफ अ पर्सनल इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन फंक्शंस विद अ व्यू टू अचीव बिजनेस गोल्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ट्राइज टू कॉम्बाइन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज टू अकॉम्पलिश प्रेडिटरमाइंड गोल्स तो अगर हमें हम इसे समझने की कोशिश करें तो बेसिकली छोटे छोटे जो इंडिविजुअल एफर्ट हैं उन सारे एफर्ट को लीड करना पड़ता है किस तरफ टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन बिजनेस गोल और यहाँ पे जो बॉडी इन्वॉल्ड होती है डैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन तो ये एक तरह का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जहाँ पे इंडिविजुअल एक एक इंडिविजुअल के रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज जो है उसको क्या किया जाता है उसको कॉम्बाइन किया जाता है और वेरियस छोटे छोटे फंक्शंस को इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉम्बाइन किया जाता है कि कॉमन बिजनेस गोल को अचीव किया जा सके सो so, at last it is written that management tries to combines various business activities to accomplish predetermined goals to ye ho gaya hamare management mein organization ki definition ki organization term ka kya matlab hai ऑर्गेनाइजेशन की meaning को हमने समझ लिया आगे हम लोग बात करते हैं various definition of ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरीके से define किया तो हम उसे थोड़ा सा समझने वाले हैं ऑलिवर शेल्डन इन्होंने कहा था कि ये बेसिकली राउंड्री कंपनी न्यूयॉर्क की कंपनी है इस कंपनी में है जो बेसिकली उसके फाउंडर थे डायरेक्टर भी थे और इन्होंने एक बुक लिखा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन नाइनटीन इन्होंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन क्या है इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एज अ प्रोसेस डिफाइन किया था इन्होंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बाइनिंग वर्क विच इंडिविजुअल और ग्रुप हैव टू परफॉर्म विद द फैसिलिटी ने फॉर इक्सीक्यूशन डेट इज ड्यूटीज ऑफ परफॉर्म्ड प्रोवाइड द best चैनल्स फॉर द efficient systematic पॉजिटिव and coordinated एप्लीकेशन ऑफ द available effort तो इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग कॉम्बाइन करते हैं छोटे छोटे इंडिविजुअल के एफर्ट को या ग्रुप के एफर्ट को ताकि हमारी जो भी वेरियस फैसिलिटी है अवेलेबल फैसिलिटी है नेसेसरी एग्जीक्यूशन हैं उन सभी उन सभी टू ड्यूटी को इस तरीके से परफॉर्म किया जाए कि हमारे बेस्ट चैनल के और इफ़िएंट और सिस्टमेटिक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटिव तरीके से उस अवेलेबल जो भी रिसोर्सेस हैं उनका अवेलेबल एफर्ट का क्या किया जा सके इस्तेमाल किया जा सके इसी तरीके से जॉर्ज आर टेरी इन्होंने डिफाइन किया था कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ एस्टैब्लिशिंग ऑफ एफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप अमोंग सेलेक्टेड वर्क पर्सनल एंड वर्क प्लेसेस इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर फॉर द ग्रुप ऑफ वर्क टुगेदर एफिशिएंटली इन्होंने कहा था कि ये बेसिकली क्या है इफेक्टिव अथॉरिटी का फॉर्मेशन ही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ताकि ये रिलेशनशिप डेवलप कर सके किसी भी सेलेक्टेड वर्क पर्सनल वर्क प्लेस के बीच में जॉर्ज आर टेरी के बारे में बात करें तो ये अमेरिकन मैनेजमेंट ऑथर हैं और इन्होंने जो है बिज़नेस एट बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया भी है और फोटीन प्रेसिडेंट ऑफ एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट भी रह चुके हैं आगे हम लोग बात करते हैं स्टेप्स इन फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए किस तरह के स्टेप्स की ज़रूरत होती है कौन कौन से स्टेप्स इन्वाल्ड होते हैं स्टेप्स को आप पांच अलग अलग स्टेप्स में छह अलग अलग स्टेप्स में एट अलग अलग स्टेप्स में डिफाइन कर सकते हो बट अगर हम बेसिक बेसिक बात करें कि हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म form, फॉर्मेशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है क्लैरिफाई करने की हमारा पर्पस क्या है हम किस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं इसके बाद हमें ज़रूरी होती है कि हम ये फाइंड करें कि जो इनिशियल रोल्स हैं किसी भी इंडिविजुअल की वो क्या है इसके बाद हम पीपल जो लोग इन्वॉल्व हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको असाइन करें उनका रोल इसके बाद हम किसी प्रोजेक्ट को कैप्चर करें और इस्टेब्लिश टैक्टिकल एंड गवर्नेंस वर्क प्रोसेस तो एट लास्ट हम लोग एक टैक्टिकल और गवर्नेंस का जो प्रोसेस है उसे हम अचीव करें तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाता है और अगर इसी को हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करने की समझ सम, कर, समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें टारगेट डिटरमाइन करना होता है इसके बाद एक्शन डिटरमाइन करना होता है इसके बाद कोऑर्डिनेशन करना होता है अलग अलग एक्शंस के बीच में इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करना होता है जो भी हमारे वर्क हैं उसे हम अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दें असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी करना होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल्स करना होता है चार्ट्स बनाने होते हैं और इसके बाद हम एक्शंस को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो ये प्रोसेस है किस चीज़ की ऑर्गेनाइज़ करने की तो हमने बात किया ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने की प्रोसेस क्या है बेसिकली स्टेप्स क्या क्या है इसमें अब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितने टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है बेसिकली वी कैन क्लासिफाई ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू सेवन टाइप्स कौन कौन सी है हिरारिकल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजेंटल और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन या uh, बेसिकली yeah, हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो आप हेरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोल सकते हो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोल सकते हो हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोल सकते हो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देन मेट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एट लास्ट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो हम लोग वन बाई वन सब के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा हिरार्कल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है सी इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म वी कैन सी यहाँ पे क्या होता है कि पिरामिड शेप्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर होती है और बेसिकली जो मैनेजमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैनेजमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पिरामिड शेप में होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें यहाँ पर हमें हिरार्किल चार्ट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो इसे बोला भी जाता है और ये बहुत कॉमन टाइप है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का यहाँ पे जो चेन ऑफ कमांड है ये आपके टॉप से बॉटम की तरफ जाता है मतलब कि सी टू मैनेजर के लेवल तक जाता है अपर लेवल टू लोअर लेवल के तक जाता है और इच इम्प्लॉय हैज़ अ सुपरवाइजर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके नीचे आपके सी आ जा रहे हैं सी को फिर सी ने अपने जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है जो बेसिकली वो तीन पार्ट में हो जाता है फिर इस पार्ट के अंदर आपको इस तरह के हिरारकी देखने के लिए मिलते हैं सो इट इज़ नोन एज हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कमिंग टू द सेकेंड वन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवीज़न होती है फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवीज़न होने का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग का एक अलग फंक्शन होता है सेल्स का एक अलग फंक्शन होता है सर्विस का एक अलग फंक्शन होता है एग्जीक्यूशन का एक अलग फंक्शन होता है तो ये सारे अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हम क्रिएट करते हैं सो इट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कमिंग टू द नेक्स्ट वैट इज़ फ्लैट और ऑर्गेनाइजेशनल बेसिकली हॉरीजेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है कि हॉरीजेंटल या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसी तरह की कंपनीज़ में फिट बैठती है जहाँ पे बहुत कम लेवल्स है अपर मैनेजमेंट और स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में मतलब कि आपकी जो आपकी जो मैनेजमेंट है वो अगर सीधे सीधे अगर कनेक्टेड होती है लोअर लेवल एम्प्लॉय के साथ मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल्स देखने के लिए नहीं मिलता है तो वहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया जाता है मैनी स्टार्टअप बिजनेस यूजेज द ओरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिफोर दे ग्रो लार्ज इनफ टू बिल्डअप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बट सम ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इट दिस स्ट्रक्चर सिंस इट इंकरेज़स लेस सुपरविज़न एंड मोर इन्वॉलमेंट फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय तो बेसिकली क्या होता है जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है किसी तरह का स्टार्टअप है छोटा सा बिजनेस है तो वहाँ पे मिडिल लेवल्स की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है वहाँ पे एम्प्लॉय सीधे कनेक्टेड हो सकते हैं मैनेजर और डायरेक्टर के साथ तो वहाँ पर हमें इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी भी है और आप चाहते हो कि आपकी डायरेक्ट टच आपके एम्प्लॉयज़ के साथ बनी रहे तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हो जहाँ पे लेवल्स बहुत कम होता है तो हमें डायरेक्ट इन्वॉलमेंट मिल पाता है कि हमारे एम्प्लॉय का डायरेक्ट इन्वॉलमेंट हो हमारे डायरेक्टर्स के साथ कमिंग टू द नेक्स्ट इज़ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब हम डिवीज़न की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो कंट्रोल है डिवीज़न जो है डिवीज़न बेसिकली अलग अलग बेसिस पे किया जाता है जैसे कि रिसोर्स के बेसिस पर जैसे कि ऑपरेट ऑपरेशन के बेसिस पर जैसे कि जोग्राफ़ी के बेसिस पर अलग अलग बेसिस पे किया जाता है तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं उसके अलग अलग डिविज़न्स में बांट देते हैं जैसे कि डिवीजन प्रोडक्ट एक्स डिवीजन प्रोडक्ट वाई डिवीजन प्रोडक्ट जेड और इसी को हम लोग अभी आगे डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं सो कमिंग टू द डेफिनेशन वी कैन वी कैन से डेट इन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अ कंपनी डिविजन हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन रिसोर्सेज एसेंशियली ऑपरेटिंग लाइक देयर ओन कंपनी विद इन द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो यहाँ पे जो होता है कि छोटी छोटी सी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर अपने आप में एक अपना अपना जो है कंट्रोल रखती है और ये अपने आप में एक कंपनी की तरह काम करती है इच डिविज़न कैन हैव इट्स नॉन मार्केटिंग टीम सेल्स टीम आई टी टीम एक्सेट्रा तो हर एक डिवीज़न के पास अपनी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर होती है अपना आई टी टीम होता है अपना मार्केटिंग टीम होता है अपना सेल्स टीम होता है और दिस स्ट्रक्चर वर्क्स वेल फॉर लार्ज कंपनीज जब कंपनी बहुत बड़ी होती है तो वहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है बेसिकली डिविज़न बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह की कंपनीज़ में जो बेसिकली अगर हम पावर्स और डिसीजन के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हमें टॉप लेवल सीईओ से ये छोटे छोटे जो ब्रांचेस हैं ये हर छोटे हर एक डिसीजन के लिए परमिशन नहीं लेते हैं और डायरेक्टली इंडिविजुअल तरीके से काम करते हैं इंडिविजुअल बॉडी की तरह तो अब अगर हम लोग अलग अलग तरह के डिविज़न्स की बात करें तो किस किस तरह के डिविज़न्स हो सकते हैं जैसे कि अगर मार्केट बेस्ड डिविज़न की बात करें तो मार्केट बेस्ड डिविज़न क्या है यहाँ पर जो आपकी अवेलेबल मार्केट है उस मार्केट के डिवीज़न के बेसिस पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का डिवीज़न कर देते हैं जैसे कि कॉमर्शियल कॉमर्शियल डिवीज़न ये सिर्फ कॉमर्शियल मार्केट को हैंडल करेगा रेसिडेंशियल डिवीज़न ये सिर्फ रेसिडेंशियल मार्केट को हैंडल करेगा गवर्नमेंट डिवीजन ये सिर्फ गवर्नमेंट मार्केट को हैंडल करेगा तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कंपनी कोई एक्स प्रोडक्ट बना रही है और इस एक्स प्रोडक्ट को गवर्नमेंट सेक्टर भी यूज़ करते हैं या सर्विस हो वाइस रेसिडेंशल डिवीज़न भी यूज़ करते हैं और कॉमर्शल डिवीज़न भी यूज़ करते हैं कॉमर्शियल सेक्टर भी यूज़ करते हैं तो हम लोग अपनी इस एक्स प्रोडक्ट को बेचने के लिए या इस एक्स सर्विस के लिए हम अपने अलग अलग सेक्टर्स को मार्केट के बेसिस पे जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम बेसिकली मार्केट बेस्ड डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं सो डिविजन्स आर सेपरेटेड बाई मार्केट इंडस्ट्री और कस्टमर टाइप अलार्ज कंज्यूमर गूड्स कंपनी लाइक टारगेट और वॉलॉट माइट सेपरेट इट्स ड्यूरेबल गुड्स लाइक क्लोदिंग furniture, फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक फ्राम इट्स फूड्स एंड लॉजिस्टिक्स डिविजन्स तो अगर हम लोग बात करें अपने दूसरे टाइप के डिवीज़न के बारे में तो यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड डिवीज़न होता है यहाँ पे क्या होता है कि जो आप एक कंपनी जब कोई एक कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रही है स्किन केयर भी बना रही है विटामिन प्रोडक्ट भी बना रही है ड्रग प्रोडक्ट भी बना रही है तो एक प्रोडक्ट वाले पूरे के पूरे पार्ट को हम एक डिवीजन बना देते हैं और इसी तरीके से डिवीज़न का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट को फॉर्म करती है तो एक एक डिवीजन अपने अपने तरीके से इंडिविजुअल तरीके से काम करता है और हर एक डिवीज़न के पास अपना मार्केटिंग सिस्टम होता है अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम होता है अपना सेल सिस्टम होता है अपना प्रोडक्शन सिस्टम होता है हर एक डिपार्टमेंट के अलग मैनेजर्स होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग लेवल पे अलग अलग सुपरवाइजर मैनेजर स्किलफुली उसको हैंडल करते हैं और इस डिपार्टमेंट का कोई भी इफेक्ट ये दूसरे डिपार्टमेंट पर नहीं पड़ता है अगर हम लोग बात करें अपने अगले टाइप के डिवीज़न के बारे में डेट इज़ ज्योग्राफिकल डिवीज़न यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई एक कंपनी एक्स कंपनी ये बहुत बड़े एरिया में अगर बेसिकली बिजनेस कर रही है ग्लोबली बिज़नेस कर रही है पूरे वर्ल्ड में बिज़नेस कर रही है तो आप यहाँ पे इस कंपनी को या आप अगर इस तरह की कंपनी को रन कर रहे हो तो आप अपने टोटल एरिया को अपने ज्योग्रफी के हिसाब से कंपनी की ज्योग्राफी कंपनी की जियोग्रफी में लोकेटेड है उसके अकॉर्डिंग एरिया एरिया वाइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जैसे कि नॉर्थ अमेरिका डिवीज़न ये किस को हैंडल करेगा ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में बिज़नेस को हैंडल करेगा ई एम ई ए डिवीज़न ये सिर्फ ई एम ई अपार्टमेंट डिवीज़न जो है उसको हैंडल करेगा डिवीज़न में वर्क को हैंडल करेगा एशिया पैसिफिक ये सिर्फ एशिया रीजन में जो बिज़नेस है उसको हैंडल करेगा तो जब कंपनी ग्लोबली वर्क कर रही है बहुत बड़े एरिया में अगर कंपनी की प्रोडक्शन और सर्विसेज जो है अवेलेबल हैं तो वहाँ पे इस तरह के जो बेसिकली हमारे वर्क हैं उनको हम ज्योग्राफिकल बेसिस में डिवाइड कर देते हैं कमिंग टू द मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म जो है हमारा ये बेसिकली जो है ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे चार्ट्स जो है वो ग्रिड के फॉर्म में शो किया जाता है और यहाँ पे यहाँ पे बेसिकली क्या होता है यहाँ पे क्रॉस क्रॉस फंक्शनल टर्म जो है फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर एन एग्जाम्पल एन इंजीनियर में रेगुलरली बिलोंग टू द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बट वर्क ऑन अ टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट द मेट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट फॉर बोथ ऑफ दिस रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता यह है कि आप अपने मेट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या करते हो मेट्रिक स्ट्रक्चर में कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में uh, जैसे कि आपके जनरल मैनेजर हैं इस जनरल मैनेजर के अंदर आपके डिफरेंट लेवल्स हो गए अब एक लेवल में अगर मान के चलिए आपके इंजीनियर्स आ रहे हैं तो ये इंजीनियर्स के लिए कोई डिपार्टमेंट फिक्स नहीं होता है कि वो इसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे जैसे अभी वो सेल्स में काम कर रहे हैं सेल्स में इंजीनियर की ज़रूरत है अभी वो सेल्स से जो बेसिकली एग्जीक्यूशन वाला डिपार्टमेंट है वहाँ पे शिफ्ट किए जा सकते हैं तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों की या इम्प्लॉयज़ की शिफ्टिंग होती है लेकिन वो अपने लेवल में ही एग्जिस्ट करते हैं कि वो जिस लेवल में है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट वन है ये प्रोजेक्ट टू है ये प्रोजेक्ट थ्री है तो यहाँ पे जो मैनेजर हैं आपको मैनेजर देखने के लिए मिल रहा है प्रोडक्शन टीम फिनांस टीम मार्केटिंग टीम सेल्स टीम डेवलपमेंट टीम रिसर्च टीम तो इनके बीच में जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है वो होते रहता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लेयर बेस्ड स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है लेयर के फॉर्म में बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है ताकि वो अपने काम को ख़त्म करें या अगर उनकी ज़रूरत किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं है तो उसे दूसरे डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जा सके हम लोग अपने अगले टाइप के बारे में बात करते हैं टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्या है कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि पॉपुलर हो अगर किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो ये टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या किया जाता है कि टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो ट्रेडिशनल हिरार फोकस फोकस टाइप का जो ऑपरेशन सॉल्विंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा ब्रेक करके नया फॉर्मेशन किया जाता है जहाँ पर किसी भी सी के अंदर आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बेसिकली है उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास आपको अलग अलग तरह के टीम्स दिख सकते हैं और ये टीम्स क्या करती है टीम्स डायरेक्टली रिपोर्ट करती है जैसे कि कंपनी में हमने अभी समझा था अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में तो हमने वहाँ पे क्या किया था हमने वहाँ पे वर्क को जो है फंक्शन पे डिवाइड किया हमने वर्क को वहाँ पे बेसिकली uh, रीजन पे डिवाइड किया तो डिवीजन एक अलग फॉर्मेट हो गया और टीम बेस्ड स्ट्रक्चर अलग हो गया क्योंकि टीम बेस्ड स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करें तो किसी भी एक कंप्लीट वर्क को पूरा करने के लिए छोटे छोटे टीम्स का फॉर्मेशन कर दिया जाता है या हम लोग ये बोल सकते हैं कि टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली डिवीज़न डिवीज़न बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सब पार्ट है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है जैसे कि आपने डिवीज़न कर दिया आपने एक डिवीज़न करके एक सेक्शन फॉर्म कर दिया इस सेक्शन के अंदर आप छोटे छोटे टीम्स बना सकते हो ये टीम्स डायरेक्टली रिपोर्ट करेगी किन अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेगी तो कहीं ना कहीं एक टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने से हमारा क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बेहतर होती है इम्प्लॉइज़ की इफ़िशंसी बढ़ती है और कहीं ना कहीं एक कंपटीशन जनरेट होता है जिससे जो इम्प्लॉइज़ हैं वो मोर मोर एंड मोर इन्वॉल्व होते हैं वर्क के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें प्रोवाइड करते हैं कमिंग टू द कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेट इज़ that इज़ नेटवर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे टीम लिखा है आप इसे थोड़ा सा सुधार लोगे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है नेटवर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हमें हम एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं और नेटवर्क का फॉर्मेशन करके हम लोग जो वर्क है उसको हैंडल करते हैं जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो नेटवर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नेटवर्क मार्केटिंग के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो यहाँ से यहाँ पर बना दिया जाएगा ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा अच्छे से समझ पाओ यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर एक छोटे छोटे से नेटवर्क फॉर्म किए जाते हैं नेटवर्क फॉर्म किए जाते हैं और बेसिकली सेल्स वर्क में जहाँ पे जो कंपनी बेसिकली सेल्स या सर्विस दे रही है वहाँ पे इस तरह का जो नेटवर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ जो अपने अपने कंपनी के साथ या कंपनी में सीनियर्स के साथ वो जो जुड़े होते हैं वो एक नेटवर्क के फॉर्म में जुड़े होते हैं नेटवर्क के फॉर्म का मतलब ये है कि ये अगर पांच छोटे चार छोटे छोटे एम्प्लॉइज़ हैं तो ये किसी एक से कनेक्टेड है किसी तीन से कनेक्टेड है ये तीन वापस से किसी एक से कनेक्टेड है और ये पूरा का पूरा क्या होता है ये पूरा का पूरा आपका नेटवर्क का एक छोटा सा सब पार्ट हो गया अब यहाँ पे जो ये आपका जो इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर नेटवर्क में जो आपको जो सबसे टॉप लेवल पे है ये किसी दूसरे नेटवर्क के दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और दूसरे नेटवर्क से ये तीसरे नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पर कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है हमारी जो हमारी जो बेसिकली नेटवर्क में ज़रूरत है ज़रूरत छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है या फिर आप बोल सकते हो कि आपको रीजन वाइज जिस तरह के नेटवर्क के फॉर्मेशन की ज़रूरत है उस नेटवर्क का फॉर्मेशन करके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है जैसे कि अगर आपके पूरे के पूरे रीजन की बात करूँ कहीं पर अगर बड़े बड़े ने बड़े टीम की ज़रूरत है तो वहाँ पर एक बड़ा सा नेटवर्क फॉर्म हो जाता है वह अगर आपको किसी जगह पर एक छोटे से टीम की ज़रूरत है छोटा सा नेटवर्क फॉर्म हो जाता है कहीं पे एक दूसरा साइज़ का नेटवर्क फॉर्म हो जाता है तो ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू uh, पीपल और यहाँ पे इस तरीके का जब फॉर्मेशन होता है तो इसे हम नेटवर्क टाइप बोलते हैं इस नेटवर्क टाइप में जो सी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो नेटवर्क के किसी भी पार्ट में एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो नेटवर्क में किसी भी पार्ट में एग्जिस्ट करता है बट वो कंप्लीट नेटवर्क को हैंडल करने की कैपेसिटी अपने एक फिक्स पोजीशन से रखता है यहाँ पे नेटवर्क की कोई एक लिमिट नहीं होती है कि नेटवर्क कितना छोटा है या कितना बड़ा है ये डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है हमारे अगर कोई सेल्स की कंपनी है तो हमारे सेलिंग का रिक्वायरमेंट कितना है मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर कितना बड़ा है इसके अकॉर्डिंग नेटवर्क्स वेरी करते हैं और अगर नेटवर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझना है तो इसके लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम भी समझ लेते हैं जिसके लिए हम एक अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर आप पूरे के पूरे नेटवर्क मार्केटिंग को समझ पाएंगे आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंटेशन के बारे में सो so, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है डिपार्टमेंटेशन रिफर्स टू द ग्रुपिंग ऑफ ऑपरेटिंग टास्क इनटू जॉब्स तो जब हम क्या करते हैं कि अपने वर्क को अपने काम को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ग्रुप ग्रुप ऑफ जॉब में डिवाइड कर देते हैं सो दैट इज़ नोन एज डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंटेशन द कॉम्बाइनिंग ऑफ जॉब्स इंटू इफिशियंट इंटू इफिशियंट वर्क ग्रुप द कॉम्बाइनिंग ऑफ ग्रुप इंटू डिविजन कॉल्ड डिपार्टमेंट तो जब हम काम को बेसिकली छोटा छोटा सा वर्क है उस वर्क को हम कॉम्बाइन करके ग्रुप फॉर्म करते हैं और उस ग्रुप को फॉर्म करके कॉम्बाइन करके हम डिवीज़न फॉर्म करते हैं और सारे डिवीज़न को जब कॉम्बाइन कर देते हैं तो डिपार्टमेंट बनता है सो बेसिकली डिपार्टमेंटेशन रिफर्स टू द हॉरिजेंटल डिफरेंशिएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ मेथड ऑफ अरेंजिंग एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉइज टू फैसिलिटेट द अकॉम्पलिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंटेशन इन शॉर्ट कैन बी सेट

छोटा सा एरिया ये एक अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के एक छोटे से एरिया के बारे में बात करें तो उसे हम डिवीजन उस डिवीज़न को हम बेसिकली क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट uh, बोलते हैं ओवर विच मैनेजर हैज़ अथॉरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटी जहाँ पे जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटी है वो मैनेजर के पास होती है किस चीज़ की अथॉरिटी परफॉर्मेंस की और स्पेसिफाइड एक्टिविटी की अगर हम लोग सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज डिपार्टमेंटेशन के बारे में समझे तो जोग्राफिकल डिस्पर्जन के अकॉर्डिंग सेंट्रलाइज्ड में एक सिंगल लोकेशन होता है एक ही जगह पे सारा का सारा डिपार्टमेंट होता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी डिसीज़न राइट एंड रेगुलेशन के बारे में बात करें तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन डिसीज़न राइट्स आर स्ट्रिक्टली डिफाइंड एंड एक्ट डाउन फ्रॉम द टॉप स्ट्रिक्ट गवर्नेंस एंड कंट्रोल बाय द अपर मैनेजमेंट रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें स्टैंडराइज मेथड एंड प्रोसीड्योर होमोजीनियस गोल्स सेट बाई हाई लेवल अथॉरिटी तो कहीं ना कहीं अगर हमारा सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट सिस्टम है तो वहाँ पर जो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन है वहाँ पे वर्टिकल कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलता है डिसीजन जो है वो स्ट्रिक्टली डिफाइंड किया जाता है टॉप टॉप अथॉरिटी के द्वारा और स्ट्रिक्ट गवर्नेंस होता है वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है रिजिट स्ट्रक्चरिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है ठीक है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ज मेथड एंड प्रोसेस का इस्तेमाल होता है होमोजीनियस गोल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जबकि लैटरल कोऑर्डिनेशन होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऑथोरिटी जो है वो डिसीजन मेकिंग राइट्स जो है वो पोस्ट किया जाता है लेवल्स ऑफ बिजनेस यूनिट के द्वारा ठीक है ग्रुप्स इवन इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैन बी डिफाइन देयर ओन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो अपने रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे हेट्रोजीनियस गोल होता है मतलब कि डिपार्टमेंट अपना गोल खुद सेट कर रहा है यहाँ पे टोटल जो गोल है वो सेंट्रलाइज सिस्टम से दिया जा रहा है ठीक है इंडिविजुअल एंटिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर कोलाबरेटिवली वर्किंग टू द सेम कॉमन और कॉम्प्लीमेंटिंग गोल ठीक है कम्युनिकेशन पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक हिरारकी जो है बेसिकली अवेलेबल होती है डायरेक्ट इंट्रैक्शन जो है कम्युनिकेशन जो है ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता है जबकि डिसंेंट्रलाइज सिस्टम में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लाइन होती है फ्लैक्सीबल होती है कॉन्सटेंटली चेंजिंग कम्युनिकेशन लाइन होती है और फ्लूड प्रोजेक्ट ओरिएंटेड टीम्स होती है मतलब कि यहाँ पे किसी तरह की रिपोर्टिंग सिस्टम फिक्स नहीं है जबकि आपको सेंट्रलाइज सिस्टम में रिपोर्टिंग सिस्टम फिक्स है हम लोग बात करते हैं ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सी ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है हेनरी फ्योल ने कहा था कि ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर्स टू एग्जैक्ट ओबीडियंस मतलब हम लोग जिस जो अगर ऑथोरिटी की बात करें तो ऑथोरिटी के पास राइट right होता है कि वो ऑर्डर दे और अपने पावर का पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें जबकि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सब टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द रिक्वायर्ड बाई सुपरवाइजर तो जब कोई भी एक सबऑर्डिनेट है अगर उसको किसी तरह की किसी ऑथॉरिटी ने उन्हें कोई टाक टास्क दे दिया और उस टास्क को वो कम्प्लीट कर, कर, करना है उन्हें तो उन, उनके पास ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो ऑथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में यही डिफरेंस है ऑथोरिटी बेसिकली जो है वो वर्क को असाइन करती है जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो इंडिविजुअल जो है हर एक अकाउंटेबिलिटी के लिए वो अकाउंटेबिलिटी के लिए वो क्वेश्चनेबल होता है सो कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी वी कैन से फॉर्मल राइट ऑफ द सुपरवाइजर टू कमांड एंड कंपेल द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द वर्क डिजाइन टू देयर टीम इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉसिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सब ऑर्डिनेट टू ओबे दो कमांड्स इट मीन्स वेन सुपरवाइजर असाइंड एनी वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स इट बिकम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म द सेम सो ये डिफरेंस है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी के बीच में तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बेसिकली हम स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली हम लोग जहाँ तक जानते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर इन्वॉल्व हैं उन मैनेजर के पास नंबर ऑफ सबॉर्डीनेट्स होते हैं और ये नंबर ऑफ सबार्डीनेट्स जितने ज़्यादा होते हैं हम कहते हैं कि हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट उतना ज़्यादा बड़ा है और ये नंबर ऑफ सबार्डीनेट्स जितने कम होते हैं हम उनको कहते हैं कि हमारा जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो उतना छोटा है फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर किसी एक मैनेजर के अंदर जो नंबर ऑफ नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स हैं वो अगर मोर देन ट्वेंटी थर्टीज़ हैं इस तरीके से हैं तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे स्पैन बहुत बड़ा है लेकिन अगर एक सिंगल मैनेजर के अंदर कुछ दो या तीन वर्कर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट छोटा है तो बेसिकली नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स जो है जो किसी एक मैनेजर के मैनेजर या सुपरवाइज़र जो उसका हैंडल करता है तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के टर्म में उसको डिफाइन करते हैं ये बेसिकली टू टू डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है टू इम्प्लिकेशनस है इसके पहला इन्फ्लुएंस द कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर्स जॉब अब अगर कोई एक मैनेजर है जिसका खुद का जो उसके ऊपर रिस्पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप की है तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं वो कम होते हैं कम होते हैं लेकिन अगर मैनेजर जो है उस मैनेजर के अंदर बहुत ज़्यादा सिम्प्लीफाइड वर्क है तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स होते हैं उस केस में ज़्यादा होते हैं है ना तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो और सबॉर्डिनेट्स हैं वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारे जो मैनेजर हैं उनके उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस टाइप की है इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन या शेप ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है जैसा कि हमने बात किया था कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है जहाँ पे हम हम लोगों ने एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन को समझा था जहाँ पे क्या है कि एक सिंगल इंडिविजुअल मैनेजर के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉज़ आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़्लैट स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमें क्या मिलता है लार्ज स्पैन मिलता है लार्ज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मिलता है लेकिन अगर हमारा जो स्पैन है हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हिरारकी बेस्ड है तो यहाँ पे हमें जो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर ऑफ इम्प्लॉज मिलते हैं हमारे हमें नंबर ऑफ सब मिलते हैं वो क्या मिलते हैं वो कम मिलते हैं तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिग्रेशन पर भी डिपेंड करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक वाइड स्पैन और दूसरा नैरो स्पैन इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप के बारे में तो बेसिकली ऑनरशिप पांच अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप है पार्टनरशिप है जॉइंट स्टॉक कंपनी है कोऑपरेटिव सोसाइटी है और स्टेट इंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट सेक्टर है तो एक, एक के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं सोल प्रोपाइटरशिप का मतलब ये है कि एक तरह की फॉर प्रॉफिट बिजनेस है जो किसी एक इंडिविजुअल जो है उसको हैंडल करता है और यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ओनर के पास और जो बिजनेस होता है वो उसमें अनलिमिटेड डिबिट्स कर सकता है तो बेसिकली ये एक तरह की आ, सिंगल ओनर टाइप कंपनी के बारे में बात हो रही है पार्टनरशिप में क्या है पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा सिमिलर है सोल uh, प्रोपैटरशिप से लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप uh, होती है यहाँ पे टू और मोर पीपल बेसिकली जब अपने अपने वेल्थ uh, को शेयर करके एक बार कंपनी को एक स्टैंड करते हैं तो वहाँ पे उस तरह के बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस कहते हैं या पार्टनरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हम लोग बात करते हैं कंपनी के बारे में और यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो हर एक पार्टनर के पास हर एक पार्टनर के पास अनलिमिटेड होती है इसी तरीके से अगर हम लोग कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि कंपनी किसी एक की प्राइवेट बिजनेस नहीं होती है कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं तो किसी एक के पास भी ये पावर नहीं होता है कि वो कंपनी को कंपनी के कंप्लीट लाइबिलिटी को हैंडल करे कंपनी फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है तो ये अलग अलग टाइप की हो सकती है साथ ही साथ यहाँ पे जो हमें बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो वो डिपेंड वो वह हैंडल करते हैं कि हमारे कौन कौन से रिक्रूटमेंट होंगे कैसे होंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन चुनता है शेयर होल्डर्स जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं इसी तरीके से हम लोग कॉपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करें कॉपरेटिव में भी लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस होती है ये फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है नन प्रॉफिट भी हो सकता है फॉर प्रॉफिट कोऑपरेटिव और फॉर प्रॉफिट कॉपरेशन के बीच में एक डिफरेंस है यहाँ पर डिफरेंस है कि हमारे शेयर होल्डर्स और बेसिकली मेम्बर्स का हु शेयर्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होती है इसके अकॉर्डिंग कॉपरेटिव सोसाइटी जो है उसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव के बेसिस पे वर्कर कॉपरेटिव के बेसिस पे फंडामेंटल्स ऑफ आइडियोलॉजी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है उसके हिसाब से बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है और ये बोला जाता है कि हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अवेलेबल होती है पार्टनरशिप के बारे में बात करें पार्टनरशिप एक उस तरह की यहाँ पे पार्टनरशिप ही है बाई मिस्टेक लिखा गया है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर होना चाहिए था पार्टनरशिप आपने देखा यहाँ पे है तो एक गवर्नमेंट सेक्टर है आप इसे रेक्टिफाई कर लो गवर्नमेंट सेक्टर भी एक तरह की कंपनी है लेकिन यहाँ पे कंपनी में क्या होता है कि मेज़र शेयर यानी कि मोर देन फिफ्टी वो गवर्नमेंट के पास होती है डिसीजन मेकिंग ऑथॉरिटी गवर्नमेंट के पास होती है और इसके अंदर पब्लिक सेक्टर पब्लिक इंटरप्राइजेज स्टेट ओन कंपनी ये सब जो है इनके अंदर आते हैं और ये भी कंपनी एक्ट के अंदर आती है तो हमने डिफरेंट टाइप्स के जो बेसिकली ओनरशिप है उसको हमने समझा आज के क्लास के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अगर किसी भी तरह के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ओके okay, अगर अभी तक आप यहाँ पर बने हुए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले लेक्चर में और हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच